ये फैसला लिया है बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शेख हसीना के रिजाइन के बाद देश को चलाने के लिए। तो शेख हसीना के रिजाइन के बाद आर्मी चीफ वकरुज्जमान ने जनता को संभालते हुए कहा कि जल्दी दूसरी सरकार देश की व्यवस्था को संभालेगी और इस प्रोटेस्ट में मारे गए लोगों के साथ भी इंसाफ किया जाएगा, आप बस आर्मी पर विश्वास कायम रखें। और इसके कुछ ही घंटों बाद देश के प्रेसिडेंट एक मीटिंग बुलवाते हैं जिस मीटिंग में प्रेसिडेंट के अलावा आर्मी चीफ, नेवी और एयरफोर्स के हेड, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और जमात इस्लाम के साथ देश की सभी ओपोजिशन पार्टीज के बड़े लीडर शामिल थे। इन सबके सामने प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं कि खालिदा जिया, जो कि अवामी लीग पार्टी की सबसे बड़ी राइवलरी बीएनपी के लीडर हैं, जिनको शेख हसीना ने करप्शन के आरोप में पिछले 6 सालों से जेल में डाल रखा है, इन्हें रिहा कर दिया जाए। और इस प्रोटेस्ट के दौरान जितने भी प्रोटेस्टर को गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी रिहा कर दिया जाए। और इस 4 घंटे की मीटिंग में प्रेसिडेंट ने नोबेल प्राइज होल्डर मोहम्मद यूनुस को आने वाली सरकार का चीफ एडवाइजर चुना है। और ऐसा हो सकता है कि आपको आने वाले समय में खालिदा जिया या फिर मोहम्मद दिनों में से कोई एक व्यक्ति बांग्लादेश का प्रधानमंत्री देखने को मिले।